क्या आपने कभी ये सोचा है कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट रखता है? क्या आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि जिस दिन आपका अपने हस्बैंड से झगड़ा होता है उस दिन आपके बच्चों के मूड पे भी कुछ असर होता है? वो खाना कम खाते हैं या वो अपसेट रहते हैं या बार बार पे इरिटेट होते हैं? तो चलिए आज इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा होना कितना ज़रूरी है हमारे बच्चों के वेलबींग, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल के ऊपर उसका कितना असर पड़ता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं एक लाइफ कोच हूँ, पेरेंटिंग एक्सपर्ट हूँ, मेंटर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ और अपनी नॉलेज और स्किल्स से ये उम्मीद रखती हूँ कि कोई किसी भी तरह का चैलेंज फेस कर रहा है पर्सनल डेवलपमेंट में, अपनी पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप्स में या पेरेंटिंग में, उसको मेरे वीडियो के थ्रू या मेरे जो टॉपिक्स हैं उनके थ्रू किसी तरह की राहत मिले। तो चलिए आज इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो हमारे बच्चों के ऊपर क्या असर डालता है। मैं आपको कुछ साल पहले पीछे लेके जाना चाहती हूँ। मैं उस टाइम पे आपको लेके जाना चाहती हूँ जब आप एक बच्चा थे। मैं उस समय की बात करना चाहती हूँ कि आपको याद है कि जब आपके मम्मी पापा का आपस में झगड़ा होता था तो घर का एनवायरनमेंट कैसा रहता था? क्या वो खुशियों से भरा होता था? क्या आपको अच्छा लगता था? क्या आप बिल्कुल इरिटेट होके थक हार के बैठ जाते थे कि मैं इनको क्या समझाऊं, झगड़ा नहीं करो? या क्या आप अपने कमरे में जाके रोने लग जाते थे बिकॉज यू डिड नॉट नो हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन? जो जो इमोशन आप अपने बचपन में फेस करते थे वही इमोशंस आपके बच्चे आज की तारीख में फेस करते हैं जब आप ये देखेंगे कि आपका और आपके हस्बैंड के बीच में अनबन बनी हुई है। अनबन होने से या झगड़ा होने से या गाली गलौज करने से या चीखने चिल्लाने से हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता है। वो असर इतना नेगेटिव हो सकता है कि बच्चे बड़े होकर, क्योंकि कोई समझ में नहीं आता कौन सही था कौन गलत था, जो पेरेंट ज़्यादा डोमिनेंट होता है वो बच्चा कोशिश करता है कि उनके जैसा बन जाए और उनके जैसा बनने के बाद वो अपनी लाइफ में बड़े होके वही बिहेवियरल पैटर्न रिपीट करता है। अगर आपको गाली गलौज करने का शौक है, आप बात बात पे मूड ऑफ करके बैठ जाते हैं या आप कभी कभी आपा खो बैठते हैं और आपका बच्चा आपसे क्लोज है, तो ये शक्ति या बात है कि बड़े चल के बाप का बच्चा वही पैटर्न, वही बिहेवियर पैटर्न रिपीट करेगा और अपने घर में बिल्कुल वैसी एनवायरनमेंट लेकर आएगा। अगर हम ये समझें, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे कौन सा रोल मॉडल हमको समझते हैं, कौन उनकी ज़िंदगी में है जिनको वो देख के लगता है उनको मेरे को इनके जैसे बनना है। सबसे बड़ा रोल मॉडल एक बच्चे की ज़िंदगी में उसके माता पिता होते हैं। माता पिता उसका हीरो होते हैं। माता पिता वो इंसान है जो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। आप कुछ कहें या ना कहें, आप कुछ करें या ना करें, साइलेंटली बच्चा आपके सारे बिहेवियर पैटर्न को देखता है और उसको फॉलो करता है। एक स्पॉन्ज का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे स्पॉन्ज पानी बिल्कुल अपने अंदर भर लेता है, बिल्कुल ऐसे बच्चा आपके बिहेवियर पैटर्न्स अपनी पर्सनालिटी में धर लेता है और बड़े चल के उसी पैटर्न को वो रिपीट करता है, क्योंकि आप उसके हीरो हैं, आप उसके रोल मॉडल हैं। तो अगर आप आपस में एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करते हैं तो बच्चे को ये समझ में आता है कि यार जब दो लोग बड़े लोग एक साथ रहते हैं तो दो हमेशा झगड़े करते रहते हैं। जब दो लोग बड़े लोग एक साथ रहते हैं, एक ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है और दूसरा जो है वो बेचारा बिल्कुल ऐसे बन के सुनता रहता है। या वो ये देख सकता है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, जब वो बड़े होते हैं वो टेबल पे बैठ के तो बात सुलझा ही नहीं करते, वो तो सिर्फ गाली देके एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला के बातें सॉल्व करते हैं और वही पैटर्न आगे जाके अपनी जिंदगी में उसको रिपीट करता है। मैं कई बार अपने वीडियो से बताने की कोशिश करती हूँ, जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम आती है, स्पेशली एक फैमिली रिलेशनशिप में, उसको जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। हम अपने झगड़ों को इतना एस्केलेट क्यों होने देते हैं कि इतनी बड़ी बात बन जाती है, कहते बात का बतंगड़ बना दिया,
वो इसलिए होता है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, वो अपनी बात पे अटक जाते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, तुमको तो कुछ अकल ही नहीं है। आपको क्या लगता है, किसी भी इंसान, चाहे नॉट जस्ट योर हस्बैंड और योर वाइफ, किसी भी इंसान की तरफ ऐसा एटीट्यूड दिखाना कि तुमको तो कुछ अकल नहीं है, जो मैं कह रहा हूं वो सही है, ये एटीट्यूड क्या सही है? क्या दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान है जिसको ये पता है जो वो ये सोच रहा है वो बिल्कुल सही है और उससे बेहतर ना तो कुछ हो सकता है ना कोई और सोचने का तरीका है? ये सोचना ही गलत है कि मैं बिल्कुल सही हूं, क्योंकि दुनिया में इतने व्यू पॉइंट्स हैं, इतने सोचने के तरीके हैं, इतनी सच्चाइयां हैं, उसमें सही क्या है गलत क्या है। हम अपनी ईगो को ऊपर लेके आते हैं और किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं होते। क्या आपको जेन्युइनली ये लगता है कि आपको मन की शांति से ज्यादा झगड़ा करना अच्छा लगता है? आपको अपनी बात मनमानी है, चाहे कुछ भी हो जाए उसमें, चाहे घर की दीवारें तक हिल जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बच्चों पे क्या असर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी घर की एनवायरनमेंट पे क्या असर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आपकी ईगो इन सब चीजों से ऊपर है? अगर आपकी ईगो इन सब चीजों से ऊपर है तो गॉड ब्लेस यू, तो आप तो भैया मैं आपके लिए कुछ कह ही नहीं सकती। लेकिन अगर आपको अपने मन से ये लगता है कि मेरे घर परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे बच्चे कैसे बड़े होते हैं उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मेरे घर में शांति का माहौल है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, तो आप अपनी ईगो को ताक पे रख के कम्युनिकेट करके चिल्ला चिल्ला के अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि आप आराम से बैठें और बात करें। दूसरी बात यह है कि जहां कहते हैं ना बर्तन है वो तो खटकते ही हैं, बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी अपने पार्टनर से डिसएग्रीमेंट होगी, हस्बैंड की वाइफ से होगी, वाइफ की हस्बैंड से होगी। इस डिसएग्रीमेंट को बच्चों के सामने डिस्कस करना या बच्चों में वो कंपटीशन लाना, तुम किसके साथ खड़े हो, मम्मी के साथ हो या पापा के साथ हो, पापा ठीक बोलते हैं ना, ये बचपनों की हरकतें करना आपकी रिलेशनशिप के लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ही खराब है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप अपने कमरे में बैठकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों को ये दिखाना कि हम तो आपस में एक दूसरे से झगड़ते ही रहते हैं, हमारी आपस में पड़ती नहीं है, उससे आप कोई भी बेनिफिट नहीं पा सकते हैं और आप अपने बच्चों का फ्यूचर, उनकी पर्सनालिटी को खराब कर रहे हैं। एक और बहुत जरूरी बात जो कई बार हम पेरेंट्स भूल जाते हैं कि जो हमारे घर का एनवायरनमेंट है अगर वो स्ट्रेस से भरपूर है, हमको कई बार ऐसा लगता है कि हमारा हेल्थ जो है, हमारी फिजिकल हेल्थ जो है, वो बुखार हो गया या डायबिटीज हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया, ये जो भी बीमारियां हैं ये तो बाहर से आती हैं, गंदा खाना खाने से आती हैं या पुअर ईटिंग हैबिट से आती हैं। लेकिन 80% रिसर्च ये प्रूव करती है हमारी जितनी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे माइंड से आती है। सो इंसान, अगर आप अपने आसपास किसी से भी 5, 6, 10 लोगों से बात करें, आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रिय चीज क्या है? कुछ लोग बोलेंगे पैसा है। आप कहने, आप उनको कहें कि आपके पास मेरे पास सब पैसा है, फिर आपको क्या चाहिए? तो फिर वो सोचेंगे अच्छा पैसा आ गया सारा, अब हमको शायद मन की शांति चाहिए। उससे आगे पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो आप ये बोलेंगे मुझे अच्छी सेहत चाहिए। अच्छी सेहत और मन की शांति बहुत ज़्यादा निर्भर करती है आपके घर का वातावरण क्या है, वातावरण आपके घर का कैसा है। आपके घर के वातावरण में प्रेम है, आपके घर के वातावरण में शांति है, अगर ऐसा है तो पूरी तरह से निश्चित हो जाइए कि अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होगा। अगर आपका स्ट्रेस लेवल कम है तो आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, इन सब प्रॉब्लम्स से राहत मिलेगी, होंगी ही नहीं। अगर आपके घर के माहौल में लड़ाई, झगड़ा, गाली गलौज, ईगो क्लैशेस, ये सब भरपूर है, तो पहली बात तो ये है कि आप अपने मन की शांति के लिए कोई और जगह ढूंढेंगे, गारंटीड है, क्योंकि मन की शांति के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। या आपको इतना स्ट्रेस हुआ कि आप ड्रिंकिंग करना शुरू कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के अलावा कोई और रिलेशनशिप ढूंढेंगे, आप स्मोकिंग करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको शांति चाहिए। आप जब घर में आए आपको गाली गलौज झगड़ा नहीं चाहिए,
आप उस शांति को ढूंढने के लिए घर से बाहर स्टेप करेंगे और उस बाहर स्टेप करने के चक्कर में आपका परिवार बिखर सकता है, आपके बच्चों पे उस चीज़ का बहुत डीप इम्पैक्ट होता है। तो ये डिसीजन आपको लेना है एज अ पेरेंट, एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ। मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, व्हाट डू आई वांट। मैं घर की शांति चाहती हूँ। मान लिया कोई ईगो क्लैश होता है और मैं चुप रह जाता हूँ या चुप रह जाती हूँ, तब भी मेरे घर की शांति बनी रहती है, वो बेटर है। मैं कम्युनिकेट करके आराम से बैठ के बात करूँ वो बेटर है, या मेरी ईगो मेरा झंडा ऊंचा रहे हमारा वो है, मेरी बात तो माननी पड़ेगी कैसे नहीं मानी। इस स्पेस में रह के मैं हर एक की जिंदगी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हूँ। हम बच्चे नहीं हैं, जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं हम एडल्ट्स हैं, हम बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चा बनना छोड़ दें, मेंटली हम बड़े हो जाएं। फिजिकली तो हम बड़े हो ही जाते हैं, लेकिन दिमाग हमारा वही 3 या 4 साल की बच्ची, तूने मेरा लॉलीपॉप क्यों लिया, क्यों लिया मेरा लॉलीपॉप वापस कर। हम बड़े होकर लॉलीपॉप पे झगड़ा नहीं करते, हम ये इस पे झगड़ा करते हैं प्लेट क्यों नहीं उठाई, मेरे को साड़ी क्यों नहीं दिलाई, मैं ऑफिस में इतना टेंशन है, तुम कराते मुझे क्यों चिल्लाते हो मेरे पे, क्या करना चाहिए मुझे, पैसे क्यों नहीं ज़्यादा कमाते। ये सब जो चीज़ें हैं ये हमने अपना बचपन नहीं छोड़ा, हम उन्हीं चीज़ों पे बड़े होकर आर्ग्यू करते हैं, क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आता कि भैया हमें हमारी अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, हमें अपना ही ध्यान नहीं रखना, हमें अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है। तो पेरेंट्स की जो रिलेशनशिप है अगर वो पॉजिटिव है, हारमोनियस है, प्यार वाली है, तो आपके बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके बच्चों के सोशल स्किल्स, आपके बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपके बच्चे की फिजिकल हेल्थ, आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ, इन 5 चीज़ों पे ज़बरदस्त पॉजिटिव असर होगा। तो ये चॉइस, जिंदगी में हर चीज़ एक चॉइस है, ये चॉइस एज अ पेरेंट आपको करनी है कि आप अपने घर का माहौल कैसा बनाएं। और ये सिर्फ वाइफ या सिर्फ हस्बैंड नहीं कर सकता, या सिर्फ वाइफ हस्बैंड दादा दादी नहीं कर सकते, अकेला इंसान नहीं करेगा, ये एक टोटल कम्युनिटी का डिसीजन है, सब फैमिली मेंबर्स का डिसीजन है कि हम अपनी ईगो को, हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को ताक पे रखेंगे। हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि हम अपने बच्चों को ऐसी एनवायरनमेंट दें कि वो अच्छी तरह से बड़े, अच्छी तरह से अपने बिहेवियर को मैनेज कर सकें, एक खुश, एक सक्सेसफुल इंसान बने। तो एज पेरेंट्स अपने बिहेवियर पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें, आपके गुस्से को क्या प्रॉब्लम है उसको देखें, एंगर मैनेजमेंट अगर आपसे नहीं हो रहा है तो काउंसलिंग के लिए जाएं, अगर आप गाली गलौज करते हैं तो अपना एक 10-day चैलेंज लें कि मैं 10 दिन तक गाली नहीं निकालूंगा। अगर आपको बात बात में अपनी ही बात मनवाने की इच्छा है तो उस पे काम करें, क्योंकि घर की शांति, मन की शांति, बच्चों की सही परवरिश से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, हो सकता है आपको ये वीडियो अच्छा ना भी लगे, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसपे हर पेरेंट को बहुत ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में कि मेरे 2 मिनट के गुस्से में या मेरी अपनी बात मनवाने की जिद में मेरे घर का एनवायरनमेंट कैसा होता है, उस पे मेरे बच्चों का जीवन का, मेरे बच्चों के जीवन पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में सोचिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर आपको कोई भी चैलेंजेस फेस आ रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, सो उसको शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।